बधाई देता हूं। अनेक झंझावतों और तूफानों का सामना करते हुए भी प्यारे समाज के अभियान के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और जो मैंने आपको बताया अभी, मेरा बस्ती में पहली बार किसी कार्यक्रम के साथ आना हुआ था 1995 में, तो वह कार्यक्रम था आर्य समाज बस्ती के कार्यक्रम के साथ। गोरखपुर से पंडित बिजराज शर्मा मेरे साथ में थे, अत्यंत बुजुर्ग लेकिन जुझारू आर्य समाजी थे और लगातार कार्यक्रमों के साथ जुड़े रहते थे। याद करिए, जब पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी की सजा अंग्रेजों ने दी थी, तो उस समय उनके अस्थि कलश को सुरक्षित रखवाने का कार्य किसी ने किया था, गोरखपुर में पंडित बिजराज शर्मा ने किया था। और पंडित बिजराज शर्मा उस समय मेरे साथ यहां पर आए थे बस्ती के कार्यक्रम के साथ। और उस समय भी मैं देखता था कि आर्य समाज के मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए, महर्षि दयानंद सरस्वती के बताए हुए रास्ते का अनुसरण करते हुए लगातार उस पथ से अविचल हो अड़िक रहते हुए निरंतर आगे बढ़ने के लिए जो जज्बा उस समय उनके साथ मैंने देखा था, वो आज भी हम सबको देखने को मिलता है। स्वर्ण जयंती के अवसर पर मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आर्य समाज से जुड़े हुए सभी स्वयंसेवकों को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को मैं इस अवसर पर बधाई देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि 200 वर्षों की महर्षि दयानंद सरस्वती की जन्म शताब्दी, द्विशताब्दी के इस कार्यक्रम को हम जहाँ भव्यता के साथ उन मूल्यों और आदर्शों की स्थापना के लिए आगे बढ़ाएं, वहीं आर्य समाज की स्थापना के भी जो अगले वर्ष से तिथि प्रारंभ होगी, इन सभी कार्यक्रमों को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। मैं इस संबंध में राज्य शासन की ओर से आप सबको सभी रचनात्मक कार्यक्रमों में भरपूर सहयोग का आश्वासन देते हुए आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय ओम प्रकाश जी।